देखो आप लोग कैसे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ मेथी की खिचड़ी, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में हमारे घर में मेथी की खिचड़ी ज़रूर बनती है। ये हरी पत्ती वाली नहीं है, सूखी मेथी वाली खिचड़ी है। तो ये क्योंकि ज़्यादातर ठंडी में इसलिए बनती है कि ठंडक से बचने के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है और क्या क्या डालते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने चावल ले ली हूँ। मैंने बिरयानी का जो लंबा चावल होता वो नहीं ली हूँ, कोलम चावल ली हूँ। ये 5 कप है, आप लोग जिस हिसाब से लेना चाहे ले सकते। और ये देखिए मैंने मेथी कम से कम ये 5 या 6 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख ली थी। ये कम से कम मेथी है 150 ग्राम और इसको मैंने भिगोने के टाइम पर बिल्कुल भी हाथ का इस्तेमाल नहीं की हूँ, क्योंकि ये हाथ लगने से ये हो जाती कड़वी। तो इसको सिर्फ पानी से मैंने ऐसा धो कर और इसको भिगा कर रख दी थी। और इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी ली हूँ। और ये हमारे कुछ खड़े मसाले जैसे 2 लौंग हो गई, 3 हरी इलायची हो गई और थोड़ी सी दालचीनी। और फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, जीरा ली हूँ, कड़ी पत्ता ली हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करूँगी, ये जो पानी है इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम छन्नी से छान के निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरा पानी हम निथार लेंगे इसका। ये देखिए छन्नी से छानिए। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन के कपड़े से भी इसको छान सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए पूरा पानी हम निकाल लेंगे इसका निथार के। ये देखिए अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। पानी फेंकना नहीं है हमें, जब हम चावल धोकर डालेंगे तो ये पानी को हमको इसको डालना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लूंगी। चलिए देखिए मैंने इस चम्मच से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाली हूँ और यही चम्मच से 1 चम्मच में घी डालूंगी, क्योंकि इसको पूरे घी में नहीं बनाएंगे ठंडी का मौसम में और ये जम जाती है। ये ऐसी खिचड़ी के इसको गरम गरम खाना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने घी डाल दी हूँ, अब ये घी पिघल जाए तो फिर मैं बाकी का डालती हूँ। चलिए देखिए तेल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें 2 लौंग डालूँगी, थोड़ी सी दालचीनी डालूँगी और 3 हरी इलायची डाल दूँगी। अब इसमें हम डालेंगे हमारी मेथी, जीरा और कड़ी पत्ता मैं बाद में डालूंगी, इसके साथ में नहीं डालूंगी। अब हमें ढकनी लेना है, क्योंकि ये जैसे हम इसमें मेथी डालेंगे तो वो पटपट उड़ने लगती है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढकनी पहले लगा देंगे, क्योंकि ये उड़ने लगती है तो ढकने ढाक दो, तो इसकी जो मेथी की खुशबू है वो उसके अंदर ही रहती है, पतीली के अंदर बाहर नहीं जाती है। ये देखिए अब इसको ढकने हटा के हम वापस से डाल देंगे। अब डाल सकते हैं, अब इसको ढकने का नीचे रखेंगे। अब इसको हम चम्मच से ही डालेंगे, हाथ से नहीं डालेंगे। अब इसको हम पकने देंगे, क्योंकि अभी इसमें पानी है थोड़ा, तो ये पानी इसका सूख जाएगा और इसको एकदम ब्राउन हो जाएगी, तभी हम इसमें चावल धो के डालेंगे। अब इसको हम ढकने ढाक के कम से कम 5 से 6 मिनट हम इसको पकने देंगे, नहीं तो ये उड़ने लगेंगे। चलिए देखिए इतनी हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, जो मैंने आधा चम्मच लिया था ये। अब इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, अगर आपको डालना है तो डाल लें, नहीं डालना है तो ना डालें। ये देखिए इसको थोड़ी सी और मैं हल्की ब्राउन कर लूंगी। देखिए इसको बीच बीच में मैंने बहुत चलाया है, कम से कम 6 से 7 मिनट हो गए इसको चलाते हुए, तो इतनी ब्राउन हो गई है। ये देखिए
अब इसमें हम डालेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए मैंने आधा चम्मच लिया है, इसको हम अच्छे से चलाएंगे चम्मच से। कम से कम इसको 1 से 2 मिनट मैं इसी में चलाऊंगी चावल को। अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, अभी पहले इसको इसमें चला लूँ अच्छे से तेल में। मेथी के साथ इसको भूनना बहुत ज़रूरी है चावल को। चावल थोड़ा हल्का चिपकने लगे तो फिर हम इसमें मेथी का जो पानी रखा हुआ है वो डाल देंगे। ये देखिए अब चिपकने लगा है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए अब डालेंगे इसमें ये पानी। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालना जब आप लोग पकाए तो। ये 2 बस। अब इसमें हम डालेंगे नमक। चावल दम सुपर गया। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालेंगी। अब इसको उबलने देंगे। अब ढकनी ढक के हम इसको पकने देंगे। जब उबाल आएगा तो फिर देखेंगे। चलिए देखिए चावल हमारा उबल गया है, देखते हैं अभी चावल कितना हुआ, क्योंकि बहुत जूना चावल है ये, एक कनी हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के बाद मैं लगा दूंगी दम पे। ये देखो अब इसको थोड़ी देर में मैं दम पे लगा दूंगी। और ये चावल कैसा, अभी हम इसमें बासमती में चावल नहीं लेते क्योंकि बासमती चावल थोड़ा सा नरम हो जाता है, इसलिए मैं इसमें कोलम चावल लेती हूँ। और ये खिचड़ी इतनी अच्छी होती है कि जिसको अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट हो तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में ज़्यादातर तो देखिए मेथी का इस्तेमाल करते, पानी पीते हैं इसका, तो ये खिचड़ी भी खाएंगे तो उन लोग के लिए फ़ायदेमंद है। और ये खिचड़ी ज़्यादातर जो जिनके छोटे बच्चे रहते जैसा 6 महीने के, तो उन माओं के लिए भी खिचड़ी ठंडी के मौसम में बहुत ज़रूरी है कि ये खाने से उनको बच्चों को जैसा दूध पीते बच्चे तो उनको सर्दी नहीं होती है, तो कभी भी जो माँ होती है तो उनको ये खिचड़ी खाना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैं देखती हूँ, इसको दम पे लगा देती हूँ। चलिए देखिए मैंने दम पे लगा दी थी, अब देखते हैं हमारे चावल खिचड़ी हो गई क्या। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हम लोग को भूख लग गई। ये देखिए माशाल्लाह हो गई है, खुशबू से भूख लगने लगती है। खिचड़ी एक खिचड़ी तो ऐसी है कि मेरे घर में पुलाव रहेगा तो नहीं खाएंगे, खिचड़ी ज़रूर खाएंगे ये ऐसी। चलिए हो गई, अब मैं निकाल के बताती हूँ। चलिए देखिए हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है, और खिचड़ी का मज़ा चटनी से आता है। मैंने चटनी पहले से ही पीस के रख दी थी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइए और खाइए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो
मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।